बनाए रखिएगा। चलिए अगली खबर वाराणसी से, जहां फ्लैट में आग लगने से भगदड़ मच गई। मामला सिगरा थाना इलाके का है, जहां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सामने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। और आग इतनी भीषण थी कि मौके पर दमकल की कई गाड़ियों को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। बताया ये जा रहा है कि घर में मंदिर के अंदर रखे दीपक की वजह से लगी आग तेजी से फैल गई, जिसके बाद लोगों का रेस्क्यू वहां से किया गया। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इसमें फायर ब्रिगेड को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। और चलिए इसी पर, आग के बाद वहां क्या हालात हैं, कैसे आग पर काबू पाया गया, ये सब जानने के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता नीतीश पांडे के पास। नीतीश, वहां पर आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्या स्थिति वहां पर थी और कितनी मशक्कत हुई, वो जरा बताएं। मशक्कत बड़ी थी, आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन सवाल कई हैं। इस वक्त हम उस कमरे में मौजूद हैं जहां पर आग लगी थी। आप हालत देख लीजिए, चारों तरफ आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दिखाई देगी। और सवाल ये है कि महंगी और गाढ़ी कमाई के साथ जब कोई इस घर में प्रवेश करता है तो आखिर उसका दोष क्या है? आखिर जो बिल्डर है वो यहाँ पर फायर सिस्टम को पूरी तरह से पुख्ता क्यों नहीं करता? पहले जो इस अपार्टमेंट के रहने वाले लोग हैं उनसे हालत को जान लेते हैं। आप यहाँ पर थे और बगल वाला फ्लैट है, बगल वाला फ्लैट, आप उसकी भी जल की कंडीशन देख सकते हैं। आप आगे लेट होता तो आग लग जाती उसमें भी। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, और ये देखिए ये बगल वाला फ्लैट इनका है। आप देखिए ये देखिए 10 मिनट लेट होता है, एसी की पोजीशन देख सकते हैं आप कि क्या स्थिति है। ये देखिए यहाँ पर एसी दिखाइए, विशेष चेहरा ऐसी दिखाइए। ये देखिए पंखे, जरा सा इसके फायर सिस्टम को दिखा देते हैं। ये बहुमंजिला इमारत है, कैंट स्टेशन से थोड़ी दूरी पर यह इमारत मौजूद है, सिगरा थाने से थोड़ी दूरी पर यह इमारत मौजूद है। और जरा इसके फायर सिस्टम को देख लीजिए, पूरे बनारस की जो बहुमंजिला इमारतें हैं उनमें हालत ये है कि फायर सिस्टम कहीं भी पूरी तरह से सुचारू नहीं है। ऐसे में जब इन बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं तो सवाल उठते हैं, लेकिन क्या अधिकारी इसको ध्यान दे रहे हैं? स्थिति क्या है? ये फायर सिस्टम चलता है जी, देख लीजिए आप, उसका भी ओपनिंग भी नहीं हुआ है, उसके लिए इंतजार किया जा रहा है कि कोई आएगा उसका ओपनिंग करेगा, हम लोग को बताएगा, तब तो हम लोग यूज़ करना जानेंगे। अगर कल रात में अगर इसका सिस्टम हम लोग को पता होता तो शायद इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। ये आग मुश्किल से 5 से 10 मिनट बुझा ली गई थी, पर फायर विभाग जो आया उनको भी नहीं पता है कि बिल्डिंग में इक्विपमेंट लगे हैं तो इसको कैसे यूज किया जाए। बिल्डिंग वालों को तो मान लीजिए कोई बताता ही नहीं है। केयर टेकर और केयर टेकर तो जितने थे सब यहाँ से भाग चुके थे, भाग चुके हैं। अच्छा, जो बिल्डर है उनसे आपने सारी विषयों की शिकायत, जो अधिकारी है उनसे की क्या? अब आप शिकायत की अगर की होती तो देखिए आपके सामने अभी उसका रिबन तक नहीं खुला है। अगर शिकायत की होती तो रिबन तो खुल गया होता, पूरा हाथ डैमेज कर दिया। आप देखिए, मैंने पूरा हाथ, मुझे 12 स्टिच लगी है इसके ऊपर, मैंने इस ग्लास को खोला कि ये निकल जाए और मैं पानी फेंक सकूं अपने मकान में, बट ये निकला ही नहीं, पानी चालू ही नहीं हुआ। मतलब पूरी तरह से डैमेज है, सिर्फ दिखावा है। एक बार और तस्वीरें दिखाइए विशेष, ये फायर सिस्टम पूरी तरह से दिखावा साबित हुआ इस। और आप देखिए ये अलार्म है और ये अलार्म बजा भी नहीं, ये रात को भी लोग शिकायत करते रहे, नीचे से लोग आने का प्रयास करते रहे लेकिन लोग फंसे रहे। सवाल बड़ा है कि जिसने इस बिल्डिंग को वो बनाया है वो इन सारे सिस्टम को ध्यान क्यों नहीं देकर बनवाया? और इसके साथ यही है, बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। और तस्वीरें देखकर हम अंदाजा लगा पा रहे हैं नितेश के, कितनी भीषण आग वहां पर लगी है और कोई भी व्यवस्था वहां आग बुझाने के लिए पहले से नहीं थी। व्यवस्था थी भी तो मात्र दिखावे की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ ही एक